चलिए देखते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स में जाना है और चेक कर लेना है कि आपने सारे कैटेगरीज आपको जो लगने वाले हैं वो ऐड कर लिए हैं या नहीं। तो हमने इस तरीके के कैटेगरीज बना दिए हैं। टॉप राइट पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्शंस में इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम एक्सेल का, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड इंपोर्ट फॉर्मेट का ऑप्शन आपको देखने मिलता है और एक एक्सेल फॉर्मेट आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाता है। ये फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट है प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए। इसी फॉर्मेट में आपको इंपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे सेकंड है स्टॉक लेवल अलर्ट, यूनिट, बाय प्राइस, सेल प्राइस, रिमार्क, यूनिक आईडी जैसे कॉलम्स है, और लास्ट में है ओपनिंग स्टॉक। आपको इसी फॉर्मेट में इंपोर्ट करना है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से इसमें एक्स्ट्रा और भी कोई कॉलम नहीं चाहिए। और हम अब ये सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे हम कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम ये कैटेगरीज है तो इसमें मेन प्रोडक्ट्स कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं और ये फाइल यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, और प्रोसेस बटन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो डेटा इज़ बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। और आप यहाँ देख पाएंगे मेन प्रोडक्ट्स में 3 प्रोडक्ट्स अब ये इंपोर्ट हो चुके हैं। इस तरीके से आप आपके मल्टीपल कैटेगरी वाइज एक्सेल फाइल्स बना सकते हो और इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे हमने सेम फाइल लैपटॉप कैटेगरी में भी इंपोर्ट कर दिया तो इजीली इंपोर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप इंपोर्ट्स कर सकते हो। जैसे अगर हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे लैपटॉप्स में 3 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और सेम फाइल हमने इंपोर्ट की थी तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट्स में भी वो आ चुके हैं। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, एक अलग फाइल इंपोर्ट करेंगे। तो हमने ये फॉर्मेट ओपन कर लिया, सेम फॉर्मेट सेम कॉलम्स, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए ताकि आपका इंपोर्ट सही से हो सके। जैसे हमने प्रोडक्ट नेम ऐड कर दिया सैमसंग S23 अल्ट्रा, स्टॉक लेवल अलर्ट पे 2 यूनिट में पीस, बाय प्राइस, सेल प्राइस हमें नहीं एंटर करना है। रिमार्क में हम कुछ एंटर कर देते हैं, जैसे 5G फ़ोन, यूनिक आईडी ऑप्शनल है, ओपनिंग स्टॉक भी ऑप्शनल है। यहाँ पे हम 6 एंटर कर देते ताकि हमारा स्टार्टिंग स्टॉक जो है 6 यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये हमने सेव कर लिया और यहाँ से हम अब क्लोज करेंगे और इसे हम इंपोर्ट करेंगे मोबाइल्स वाले कैटेगरी में। मोबाइल वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से फाइल जो है हमने सिलेक्ट कर लिया और प्रोसेस बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल अब 1 प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे, यहाँ से मोबाइल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे मोबाइल वाला। आप देख सकते हो S23 अल्ट्रा 6 ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट कर सकते हो।